लेकर आया प्रिंटिंग प्रेस को, छापने वाली मशीन कौन लाया ने भारत में, कौन थे वे, ये हमने बनाई है, हमारी इतनी औकात थी कि हम तुम कर रहे हैं। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत का विकास नहीं करा, भाई जितने पुल बनाए पैसा उनके बने बड़े सब जो भारत वालों ने बनाए, दो दिन कल को बनाए परसों खड्डा होगा सुबह, समझ में आया बात या? तो हम बात करेंगे अच्छे तरीके से इसमें, अंग्रेजों ने भारत का विकास करा था या नहीं करा था, और करा था तो कितना करा था, वे कितना लूट कर ले गए भारत को, कितना लूट कर ले गए। आज जितने भी यूरोप के सारे देश अमीर है ना, समझ में आती है, 28 देश है यूरोप में, 28 के 28 हमारी वजह से अमीर है। आज जानेंगे कितना लूटा उन्होंने, हमें किन्होंने नहीं लूटा, जिसका मौका लगा उन्होंने लूटा हमें, समझ बात है। और जो रूस, समझ में आई बात है, रूस अमेरिका, ये अमेरिका अमेरिका चिल्ला रहे आज, मोदी जी जाते हैं अमेरिका वालों के साथ हाथ मिलाते हैं, आओ प्रधानमंत्री जी बैठो, आओ राष्ट्रपति जी बैठो, इन्होंने हम 1967 में अनाज भेजा था पानी के जहाज में भर, जब हमारे देश को अनाज का दाना भी नहीं आया था, हमारे देश के लोग भूख के तड़प रहे थे सारे, तो जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे ना, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हम अनाज भेजा, और अनाज पता कैसे भर भेजा, जो अपने यहाँ सुअर को डाल रहे हैं वो भेजा इन्होंने अनाज, हम आज तो तुम राज कर रहे मजा ले रहे, आए तो तुम सब वो अनाज भेजा, फिर हमने वो अनाज वापस करवाया, फिर लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज पता कहाँ से ले गए, वहां से ले गए रूस तक जाकर, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पूरी हिस्ट्री समझ रही तुम, तो अगर जिस बच्चे को ये नहीं पता हमारा देश कैसे आजाद हुआ तो उसका तो जीना मरना ही बराबर है, बस तो तुम तो बता बस 15 अगस्त 1947 गुलदाने बटंगे खाओ और चलो, यही तो बताता, इसके अलावा कुछ नहीं, जो सामने आएगा जो भाषण देते ना, हमारा देश किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी आज तक, मैं समझाऊंगा, पूरी फीलिंग आ गई किस तरह हमारा देश आजाद हुआ, वो आजादी का पूरा महोत्सव दिखाऊंगा कैसा आजाद हुआ, और आजादी किस चीज, आजादी मिली हम, कुछ लोग तो ऐसे कौन जो कहते हैं ना आजाद हो गया, आजाद होंगे हम, लड़की महिलाएं औरतें तो आज तक भी आजाद नहीं हुई, अभी घर में तो तुम बाहर निकलोगे, तुम लड़के हो जाओ तुम घूमने, तुम्हारा कोई पाबंदी नहीं है, कोई लड़की आज ही घर से बाहर निकलने चली जा 70 सवाल पूछे जाएंगे उससे, तो कहां से आजाद होगी, कहां से आजाद होगी बताओ मुझे क्यों पॉइंट है बात में, और तुम भी पूछोगे, तुम मुझे घर से बाहर क्यों गई थी, ये तो गधापन समाज का, और यूरोपीय समाज में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैं आजाद पहले थी, समझ में आती है। आज यहां भी घर के जितने भी सारे फैसले हो कौन करेगा घर में, पापा तक पूछना पड़ेगा, पिता तक पूछना पड़ेगा, यही फैसले करें, माता तो क्यों नहीं पूछना, इसे बोलते हैं पैट्रियार्की, हिंदी में बोलते हैं पितृसत्तात्मक सोच, जो हमारे देश में हमेशा हावी रही, पिताजी तो पूछना पड़ेगा, लास्ट फैसला वही कर हमारे घर के, माता जी क्यों नहीं करने की फैसला, मुझे नो बता दें क्यों नहीं करने की, तो यह सोच है कि इसे दो नुकिया सोच कहते हैं, ऐसे ऐसे सोच वाले इंसान हमारे देश में बसते हैं, आजाद होने के बावजूद भी, आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं हम, 75 साल हो गए हमारे देश आजाद हुए, कौन सी महिलाएं आजाद होगी, कौन सी नारी आजाद होगी, ये बेचारी आज भी संघर्ष कर रही है अपनी स्वतंत्रता के लिए, इन्होंने वही समझा जा, चलो तुम 10वीं 12वीं पढ़ ली, दूसरे घर में बर्तन पोछा साफ करो, इतनी तुम्हारी औकात है, समझ में आई बात है, इतना समझा जा, और उन्हें बस 10वीं 12वीं करवाई और बस चलो आगे लिखा दो, तुम बात करेंगे सब सब मुद्दों पर बात करेंगे हम इस पर, और तुम भी तुम्हारी भी